नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अपूर्वा। वेलकम टू माय चैनल वीजे सुपर ब्रेन। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मस्त होंगे, मजे कर रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ काउंटिंग। आप अपने बच्चे को काउंटिंग कैसे सिखा सकते हैं? बाय एक्टिविटी, और आपको क्या करना है और आज आपको क्या नहीं करना है काउंटिंग सिखाते समय, आज मैं आप लोगों को ये सब बताऊंगी। हम अपने बच्चे को 1 to 10 ओरली बोलना सिखा देते हैं और बच्चे बहुत अच्छे से बोल भी लेते हैं। उसके बाद हम अपने बच्चे को रिकॉग्नाइज करना सिखा देते हैं। मैंने रिकॉग्नाइजेशन पे एक वीडियो बनाया है और उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जिससे आप वहाँ जाके देख सकते हो कि आप रिकॉग्नाइजेशन अपने बच्चे को कैसे सिखाना है। मैंने बहुत सारी एक्टिविटीज और वर्कशीट्स बताई है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। उसके बाद हम अपने बच्चे को राइटिंग भी सिखा देते हैं, लेकिन काउंटिंग सिखाना इतना ज़रूरी क्यों है अपने बच्चे को? जब भी हम अपने बच्चे को बोलेंगे कि जाओ 4 स्पून लेके आ जाओ या फिर 10 फ्लावर्स तोड़ के लेके आओ, तो उनको काउंट करते आना चाहिए, ऑब्जेक्ट काउंट करते आना चाहिए। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे आप अपने बच्चे को काउंटिंग सिखा सकते हो। मैं आप लोगों को कम से कम 5-6 तरीके आज बताऊंगी, जिसके थ्रू आप अपने बच्चे को ये सिखा सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। मैं आपको एक चीज़ ये बता दूं कि मेरा ये वीडियो है वो 3 पार्ट में आने वाला है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप कैसे काउंटिंग सिखा सकते हैं बाय एक्टिविटी। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप कलर के थ्रू आप अपने बच्चे को काउंटिंग सिखा सकते हैं। उसके बाद 3 में आएगा कि कैसे आप बाय ऑब्जेक्ट यूज करके आप काउंटिंग सिखा सकते हो। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरे ये वीडियोस पसंद आएंगे। और आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी हिट कर लेना, जिससे मेरे आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले आपको क्या करना है? काउंट एंड पिक। काउंट एंड पिक का मतलब ये होता है आपको बच्चे के सामने ऑब्जेक्ट रख देना है। जैसे आपके सामने मैंने रख दिया 2 मार्कर रख दिया है, उसके नीचे उसके बाद उसके पास सामने उसके नीचे 2 कोई भी नंबर्स रख देना है। बच्चे को काउंट करना है और एक नंबर उसको पिक करके आपको देना है। जैसे मान के चलो यहाँ पर 2 है, 2 मार्कर्स है, तो वो पिक करेगा नंबर 2। ये हो गया काउंट एंड पिक। जैसे मैंने यहाँ पे रखा है 3 पॉम्पॉम बॉल, उसके नीचे 2 नंबर्स रख दियो। बच्चे को काउंट करना है कि कितने पॉम्पॉम बॉल है। बच्चा काउंट करेगा 1 2 3, वो आपको 3 पिक करके देगा। यहाँ पे बच्चे को कुछ नहीं करना है, बच्चा सिर्फ काउंट कर रहा है, नंबर पिक करके दे रहा है, वो इंजॉय कर रहा है। काउंट एंड पिक। अब हम देखते हैं सेकेंड। अब आता है काउंट एंड कीप। अब इसमें आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने इसमें देखो मैंने ये बना लिया है, आप जैसे कि देख रहे हो मैंने बना लिया है। इसमें मैंने सर्कल बना के उसमें डॉट्स बना लिए हैं अलग अलग कलर से। अब इसमें बच्चे को क्या करना है, काउंट करना है और उसके ऊपर नंबर को रखना है। जैसे ये नंबर 1 है, 1 काउंट किया 1 और उसके ऊपर रखना है 1। अब जैसे मान के चलो 1 2 3 है, अभी कितने 3, तो इस पर क्या यहाँ पे बच्चे को रखना है नंबर्स, ऐसे करना। ये एक तरीका है, आप ऐसा बना के रख लो, आप डेली ये नंबर्स उनसे रखाते रहो तो इससे उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसके अलावा मैंने ये एक एक्टिविटी बनाई थी, इसके आइसक्रीम स्टिक के पीछे भी मैंने ऐसे, ये मैंने सीक्वेंस में बनाए थे और ये जो है ये रैंडमली बने हुए, ये सीक्वेंस में नहीं है, कोई भी बच्चा काउंट कर सकता है। और ये जो था ये सीक्वेंस में था। जैसे मैंने 1 है आइसक्रीम स्टिक पे लिखा हुआ, तो ऐसे पूरे 10 आइसक्रीम स्टिक से मैंने नंबर लिख ली थी, और जब ये आइसक्रीम स्टिक मैंने एकदम लास्ट में पेस्ट करी हूँ। इसके पीछे डॉट बने हुए थे और डॉट बच्चे को काउंट करना था और उसके ऊपर आइसक्रीम स्टिक को रखना था। जब बहुत बार ये वंश ने एक्टिविटी कर लिया, उसको बहुत अच्छे से परफेक्ट हो गया, तो उसके बाद मैंने उसी से आइसक्रीम स्टिक्स उस पर पेस्ट करवा। अब आता है काउंट एंड कलर। कलर करना किस बच्चे को पसंद नहीं होता? बच्चे कलर्स करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए आप ऐसी एक्टिविटी करवा सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे आप देख रहे हो, जैसे यहाँ पे ये है जिराफ है,
बच्चे को काउंट करना है, नीचे नंबर्स लिखे हुए हैं उसमें बच्चे को कलर करना है। आप देख पा रहे होंगे कि वंश ने ये कर रखा है। आपको ये ऐसी एक्टिविटी वर्कशीट जो है बहुत इजीली गूगल पे मिल जाएगी। आप प्रिंटआउट्स निकाल के आप डेली बच्चे से ये करवा सकते हो। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे वंश ने कर रखा है। अब आता है काउंट एंड सर्कल। अब इसमें बच्चे को क्या करना है, काउंट करना है, उसके बाद उसके आगे नंबर्स लिखे हुए रहेंगे और उस पर सर्कल करना है। जैसे कि आप देख रहे हो कि मैंने ये वर्कशीट बनाई थी, ट्रायंगल में मैंने डॉट्स बना दिए हैं, बच्चे को वो डॉट्स को काउंट करना है और आगे नंबर्स लिखे हुए हैं उस पर सर्कल करना है। आप देख रहे हो कि देख पा रहे हो मैंने डॉट्स बनाए हैं और वंश ने वो परफॉर्म किया है। ओके, वैसे ही मैंने ऐसे बना दिए हैं, ट्रायंगल्स बना दिए, नीचे नंबर्स लिख दिए, बच्चे को ट्रायंगल्स काउंट करना है और नंबर को सर्कल करना है। वैसे ही ये भी है, आप ऐसे बना सकते हो। इसके अलावा अगर से आपको ये आपने बना दिए, बच्चा ये कर लिया, अगर से इन केस बच्चा पेंसिल नहीं लेना चाह रहा है तो आप ऐसे कर सकते हो। आप ऐसे वाइट बोर्ड ले सकते हो, आप वाइट बोर्ड में आप ड्रॉ कर सकते हो सर्कल। अब इसके आगे नंबर्स लिख सकते हो, 4 है, 3 है या 1 है, तो बच्चा काउंट करेगा 1, 2, 3, 4। अब 4 पे बच्चा सर्कल करेगा। आप ऐसे उनको डेली बेसिस पे करवा सकते हो। जैसे कि आप देख रहे हो ये काउंट एंड सर्कल की है। यहाँ पे हाउ मेनी प्लैनेट्स, 1, 2, 3, तो यहाँ पे 3 में सर्कल करना था। ये काउंट एंड सर्कल टू मून है, ये मैंने ऑनलाइन निकाले हैं वर्कशीट्स। ऐसे बहुत सारी वर्कशीट आप करवा सकते हो। जैसे आप ये देख रहे हो, आप ये देख रहे हो, इसमें देखो काउंट करना है और सर्कल करना है, आप ऐसे भी करवा सकते हो। अब आता है काउंट एंड मैच। अब इसमें बच्चों को क्या करना है, काउंट नंबर काउंट करना है और मैच करना है। अब यहाँ पे है जैसे ट्रायंगल, 1 ट्रायंगल है, तो इसको 1 को 1 से मैच करना है। यहाँ पे 1, 2, 3, तो ये 1 इसमें मैच करेगा। अब फिर यहाँ पे 1, 2, तो ये इसको ऐसे मैच करेगा। काउंट एंड मैच, आप ये देख सकते हो इसमें भी ऐसे ही करना है। यहाँ पे डॉट्स दिए हुए हैं, डॉट्स को काउंट करना है और मैच करना है। आप देख पा रहे होगे कि वंश ने ये एक्टिविटी कर रखा है। अब जैसे ये है, इसमें भी काउंट करना है और मैच करना है। वाटरमेलन की एक्टिविटी है और ऐसी एक्टिविटी आपको गूगल पे बहुत इजीली मिल जाएगी, आप वहाँ से ले सकते हो। इसके अलावा आप बहुत सारे अलग और अलग तरीके से भी काउंटिंग करना सिखा सकते हो। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने 4 लिखे हैं और ट्रायंगल्स, बहुत सारे ट्रायंगल्स बना दिए हैं, लेकिन वंश को सिर्फ 4 ट्रायंगल में ही कलर करना है। कलर द अमाउंट बोलते हैं इसको। यहाँ पे जैसे 2 लिखा हुआ है तो सिर्फ 2 ही उसको स्क्वायर्स में कलर करना होगा। जैसे 1 लिखा है तो सिर्फ 1 में ही कलर करना होगा। ये भी एक वर्कशीट से। और जैसे आप यह देख सकते हो यहाँ पे नंबर्स लिखे हुए हैं और जितने नंबर्स लिखे हुए हैं उसमें उतने रिंग्स बनाना है। 1 लिखा है तो 1 रिंग बनाना है, 2 लिखा है तो 2 रिंग्स बनाना है। ये एक है, अब ये है, ये भी सब मैंने गूगल्स में से निकाला है। इसमें है जैसे इसमें स्क्वायर कितने हैं, सर्कल कितने हैं, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, मतलब ये शेप्स का है, कितने शेप्स है वो काउंट करना है और राइट करना है। यहाँ पे बात आ जाती है राइटिंग की, तो बच्चे राइट करना जल्दी से पसंद नहीं करते, इसलिए ये एक्टिविटी मैंने सबसे लास्ट में करवाई थी उससे। ये भी वैसी ही है और ऐसे आपको बहुत सारी मिल जाएगी, आप जितनी कराओगे उतनी कम होती है, तो इससे बच्चे का परफेक्शन बहुत अच्छा आ जाता है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे अलग अलग इंसेक्ट्स हैं, उसको काउंट करना है और यहाँ पे उसको राइट करना है, और उसने ये एक्टिविटी परफॉर्म किया है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। आगे मेरे 2 पार्ट्स और आने वाले हैं जिसमें मैं और भी एक्टिविटीज़ आपको बताऊँगी बाय कलरिंग, बाय ऑब्जेक्ट। तो प्लीज़ आप को वो सब वंश करके भी दिखाएगा कि कैसे करना है। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।